इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। परमवीर चक्र यानी कि व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, एक ऐसा सम्मान जिसे दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पहला युद्धकाल के दौरान और दूसरा शांति काल के दौरान। युद्धकाल में दिए जाने वाले तीन सम्मान हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इन सभी में परमवीर चक्र को उच्चतम दर्जा प्राप्त है। इसी प्रकार से शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान करने की व्यवस्था है। इन तीनों में अशोक चक्र को उच्चतम दर्जा प्राप्त है। अशोक चक्र को परमवीर चक्र के समांतर ही माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि फर्क केवल सिर्फ इतना है कि परमवीर चक्र युद्ध काल के समय दिया जाता है और अशोक चक्र शांति काल के समय। आज से हम अपनी ऐसी सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको परमवीर चक्र की अद्भुत गाथा के बारे में बताएंगे और इस असाधारण सम्मान से अभी तक किन किन महान योद्धाओं को सम्मानित किया जा चुका है उनके जीवन से भी आपका परिचय करवाऊंगा। मैं ऋषिराज। परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे वीर जवानों को युद्ध के दौरान दुश्मन की मौजूदगी में उच्च कोटि का पराक्रम और अति असाधारण वीरता के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी वर्ष 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई, लेकिन इसकी मान्यता को स्वीकृति आजादी की तिथि यानी 15 अगस्त 1947 से दी गई। आजादी से पूर्व सैनिकों को यह सम्मान विक्टोरिया क्रॉस के रूप में दिया जाता था। आजादी के बाद अंग्रेजों का राज खत्म होने के बाद जब भारत गणराज्य घोषित हुआ तो भारत ने परमवीर चक्र के रूप में अपने सर्वोच्च सैनिक सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाया। आजाद भारत के इतिहास में अभी तक 21 शूरवीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 14 को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरों को या उनके परिजनों को इस सम्मान से सुशोभित करते हैं। वीरता के इस सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र को एक महिला द्वारा डिजाइन किया गया था, जिनका नाम था श्रीमती सावित्री खानोलकर। देश को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद मेजर जनरल हीरालाल अटल को स्वतंत्र भारत के नए सैन्य अलंकरणों के निर्माण और नामकरण की जिम्मेदारी दी गई थी। इस कार्य के लिए उन्होंने श्रीमती खानोलकर का चुनाव किया और उन्हें चुनने के पीछे मुख्य कारण था श्रीमती खानोलकर का भारतीय पौराणिक कथाओं, संस्कृति और वेदों के प्रति गहन रुचि और उनका ज्ञान, और इसी वजह से उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो परमवीर चक्र को भारतीय संस्कृति के अनुरूप डिजाइन करेंगी। इन सभी खूबियों के अलावा श्रीमती खानोलकर एक सेवारत अधिकारी मेजर जनरल खानोलकर की पत्नी थी। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सावित्री बाई जन्म से भारतीय नहीं थी। उनका जन्म 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड में रूसी माँ और एक हंगेरियन पिता के यहाँ हुआ था। उनका नाम ईव इवॉन रखा गया। फिर ईव 1932 में भारत आई। उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और विक्रम खानोलकर से शादी कर ली। वीरता के इस सर्वोच्च सम्मान में ऋषि दधीची से भी प्रेरणा ली गई है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दधीची ने असुरों के संहार के लिए देवताओं को अपनी जांग की हड्डी से सबसे घातक हथियार वज्र या थंडरबोल्ट बनाने में सहायता प्रदान की, जिसके लिए
उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उसी वज्र का इस्तेमाल इंद्र और अन्य देवताओं ने असुरों को परास्त करने के लिए किया था। पदक के केंद्र में एक उभरे हुए चक्र पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, जो इंद्र के वज्र की चार प्रतिकृतियों से घिरा हुआ है और जिसके दोनों तरफ शिवाजी महाराज की तलवार भवानी को लगाया गया है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को उनकी तलवार, दुर्गा का रूप और उनकी कुल देवी माँ तुलजा भवानी ने प्रदान की थी। परमवीर चक्र की सजावट को एक सीधे घुमावदार बार से हैंग किया जाता है, जिसे 32 मिलीमीटर बैंगनी रिबन द्वारा सुसज्जित किया जाता है। इस पदक को बनाने में कांस्य यानी कि ब्रोंज धातु का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाहरी सिरों पर इसको प्रदान करने वाले का नाम गुदा होता है। इस प्रकार से श्रीमती खानोलकर द्वारा निर्मित इस डिजाइन को स्वीकार कर लिया गया और इस तरह से जन्म हुआ वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र का। परमवीर चक्र के अलावा श्रीमती खानोलकर ने अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र को भी डिजाइन किया है। भाग्य का खेल देखिए कि पहला परमवीर चक्र, जिसे 1947-48 के दौरान कश्मीर में भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया, वो श्रीमती खानोलकर की बेटी के बहनोई थे। परमवीर चक्र की इस गाथा को अब हम यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आपका परिचय उन सभी परमवीर चक्र से सम्मानित 21 योद्धाओं से करवाएंगे, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश के सम्मान को सर्वोपरि रखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। तेरी धरती को चूमे गगन।